हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड हैप्पी एनवायरनमेंट डे। आज एनवायरनमेंट डे है तो एक संदेश देना चाहता हूँ सबको कि अपने अपने घर के पास सारे अपने घर के पास घर के सराउंडिंग में ये सब इन सब में एक एक पेड़ लगाए, ठीक है, ताकि वातावरण शुद्ध रहे। आज वातावरण दिवस ही है तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्या, फाइबर्स टू फैब्रिक, चैप्टर 3 फाइबर्स टू फैब्रिक क्लास 6 NCERT, ठीक है। NCERT क्लास 6, तो NCERT क्लास 6 है। तो आज इसमें मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा और थोड़ा पढ़ाऊंगा, तो हम लोग शुरू में एक्सप्लेन ही कर लेते हैं। तो देखिए मैं बताता हूँ, फाइबर जो होता है वो फाइबर क्या होता है, फाइबर वो पतला लचीला धागे के फॉर्म में जिसे हम लोग कपड़ा बनाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। पतला होता है वो, एकदम पतला होता है, लचीला होता है, कोई कोई मोटा भी होता है, और जिससे हम लोग कपड़ा बनाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फाइबर बनाते हैं। तो फाइबर बनाते हैं, फाइबर बोलते हैं उसको हम लोग फाइबर बोलते हैं। तो फाइबर से पहले क्या बनता है, फाइबर से यार्न बनता है, फाइबर से यार्न बनता है। देखिए पहले यहाँ पे फाइबर होता है, फाइबर से यार्न बनता है, यार्न से क्लोथ बनता है, फैब्रिक बनता है। क्लोथ को ही हम लोग फैब्रिक बोलते हैं, मतलब उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है। अभी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, फाइबर्स आर डिफाइंड एज अ क्लोथ मटेरियल, फाइबर से क्लोथ मटेरियल के जैसे डिफाइंड होते हैं, वो नीटिंग और वीविंग के कारण कपड़ा बनते हैं, ठीक है। क्लोथ वीविंग और नीटिंग के कारण बनते हैं, और वो थ्रेड बनते हैं किसी के कोई प्रोसेस के कारण, थ्रेड बनते हैं स्पिनिंग के कारण, थ्रेड स्पिनिंग के कारण बनते हैं, और वीविंग एंड नीटिंग के द्वारा हम लोग क्लोथ बना देते हैं, फैब्रिक बना देते हैं, ठीक है। तो ये सभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। वो पतले पतले स्ट्रैंड्स जिससे हम लोग क्लोथ बनाते हैं, वो पतले पतले फैब्रिक के स्ट्रैंड्स जिससे हम लोग कपड़ा बनाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, यार्न, उन्हें हम लोग यार्न बोलते हैं, ठीक है, यार्न। अब देखिए अब जान लेते हैं फाइबर से यार्न और यार्न से फैब्रिक। फाइबर से पहले बनता है यार्न, पहले फाइबर से क्या बनता है, फाइबर से क्या बनता है, यार्न, यार्न और यार्न से क्या बनता है, यार्न से फाइबर से यार्न, यार्न से फैब्रिक, यार्न से क्या बनता है, फैब्रिक बनता है। फैब्रिक बनता है फाइबर से यार्न, यार्न से फैब्रिक बनता है। तो जैसे देख लीजिए अब फाइबर के देखिए कितने सारे मतलब ग्रुप है, देखिए फाइबर, टाइप्स ऑफ फाइबर, फाइबर का एक होता है नेचुरल फाइबर, एक होता है सिंथेटिक फाइबर, मैन मेड फाइबर, नेचुरल, और एक होता है सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब होता है
मैन मेड, सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, मैन मेड, जो मानव द्वारा बनाया हुआ है। तो अब देखिए नेचुरल फाइबर में क्या क्या आता है। नेचुरल फाइबर का भी दो होता है टाइप, एक होता है एनिमल वाला और एक होता है प्लांट, एक एनिमल और एक प्लांट का, एनिमल और प्लांट, ठीक है। नेचुरल फाइबर का, सिंथेटिक फाइबर का कोई भी नहीं होता है। सिंथेटिक फाइबर का नेचुरल फाइबर्स एनिमल्स और प्लांट से पाया जाता है। फाइबर और इसका है दो, ठीक है। तो इसमें नेचुरल फाइबर और इसमें सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड। अब देखिए यहाँ पे एनिमल, एक एनिमल से मिलता है और एक प्लांट से मिलता है, और सिंथेटिक फाइबर तो हम लोगों से ही मिलता है। तो सिंथेटिक का सिंथेटिक नहीं हुआ, सिंथेटिक का और कोई नहीं हुआ। तो अब देखिए एनिमल से कौन कौन सा मिलता है हम लोगों को, क्या कहते हैं, फाइबर। तो एनिमल से जैसे ले लीजिए सिल्क, सिल्क किससे मिलता है, सिल्क हुआ एनिमल से मिलता है, एक सिल्क हो गया। और क्या है वूल, वूल हो गया सिल्क वूल, ठीक है। इसके बाद तो है नहीं, अब एनिमल से प्लांट का है, एक है कॉटन, जूट और क्या है फ्लैक्स, फ्लैक्स भी एक तरह का फाइबर ही है, प्लांट वाला फाइबर होता है फ्लैक्स। तो इतना ही नेचुरल फाइबर होता है, इससे ज्यादा नेचुरल फाइबर नहीं मिलेगा आपको। तो सिल्क वूल कॉटन जूट और फ्लैक्स, देखिए हम लोग क्लियर करते हैं ये दोनों मिलते किससे हैं। देखिए सिल्क मिलता है किससे, सिल्क सिल्क वर्म से मिलता है, सिल्क वर्म। और वूल, वूल किससे मिलता है, वूल मिलता है शीप से, शीप से, ठीक है, शीप से। वूल किससे मिलता है, शीप से। और कॉटन मिलता है कॉटन प्लांट से, जूट मिलता है जूट प्लांट से, और फ्लैक्स मिलता है फ्लैक्स प्लांट से, ठीक है। ये कॉटन जूट और फ्लैक्स, इनकी खेती करनी पड़ती है खेती। तो अब देखिए इसमें तो हम लोगों ने पढ़ लिया ये सब क्या होते हैं, ये सब।
अब देखिए, ये एकदम नेचुरल फाइबर जो एनिमल और प्लांट से मिलता है, नेचर से मिलता है, उन्हें नेचुरल फाइबर बोलते हैं। और जो हम सब बनाते हैं खुद से, नेचर से नहीं मिलता है, एनिमल प्लांट से नहीं मिलता है, उसे हम लोग सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। तो अब देखिए, नेचुरल का ही प्लांट फाइबर्स, सम प्लांट फाइबर्स। तो इसे भी हम लोगों को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो उसमें फाइबर में, प्लांट वाले फाइबर में क्या क्या आ जाता है, क्या आता है? कॉटन। पहले पहले हम लोग कॉटन से ही शुरू करते हैं, ठीक है, कॉटन से ही शुरू करते हैं। अब देखिए, कॉटन जो होता है, कॉटन हम सबको कॉटन प्लांट से, प्लांट के सीड कोट से मिलता है, सीड कोट से। जब वो सीड कोट से मिलता है और कॉटन खेत में होता है, कॉटन फील्ड में होता है, खेत में कॉटन खेत में उगता है। और ये, इन्हें उगने के लिए ब्लैक सॉइल चाहिए और ऊपर से इन्हें गर्म क्लाइमेट चाहिए, ठीक है। गर्म क्लाइमेट और ब्लैक सॉइल किन्हें चाहिए? कॉटन प्लांट्स को चाहिए। क्या करने के लिए? उगने के लिए। तो उगने के लिए इन्हें तो चाहिए, पर जब कॉटन प्लांट में, धीरे धीरे कॉटन प्लांट में फूल उगने लगते हैं, फूल, और फूल के बाद उनमें एक लेमन जैसा फ्रूट्स भी उगने लगते हैं लेमन के जैसे। पर वो वैसे जो ट्रीज में होते हैं, कि ट्रीज में होते हैं ना, कि ऊपर ये ट्री हो गया, ये ट्री हो गया और यहाँ से निकला, पर वो प्लांट है। और प्लांट में, और उसमें क्या होता है, हर प्लांट में भी वैसे होता है, पर उसमें यहाँ ऊपर उगता है, सबसे वाले ऊपर फ्रूट, ये फ्रूट उगता है और ये कलरफुल फ्रूट होता है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉटन बॉल। इसे हम लोग कॉटन बॉल बोलते हैं। और कॉटन बॉल जब उगते हैं, तो जब कॉटन बॉल उगते 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 कुछ दिन बाद फट जाते हैं पूरे। इनके फटने के बाद उसमें आपको क्या दिखाई देगा? कॉटन फाइबर दिखाई देगा, कॉटन फाइबर ही दिखाई देगा। और जब कॉटन फाइबर को आप ऐसे निचोड़ निचोड़ के देखेंगे, तो उसके अंदर बहुत सारा सीड दिखाई देगा, क्योंकि कॉटन फाइबर क्या होता है? सीड कोट होता है। कॉटन फाइबर सीड कोट होता है, इसलिए वो सबसे ऊपर होता है, उसके अंदर सीड्स होते हैं। तो ये देखिए, कॉटन सीड कोट होता है, कॉटन सीड कॉटन के अंदर होते हैं, कॉटन से ढके होते हैं। देखिए, अब देखिए, कॉटन को हाथ से पकड़कर उसके इतने बड़े बड़े बॉल्स बना लेते हैं इतने बड़े बड़े। और मैं बता दूँ, लेमन जैसे फ्रूट होते हैं, उन्हें हम लोग कॉटन बॉल्स बोलते हैं। और वहीं कॉटन बॉल्स की तरह ही हम लोग जब कॉटन को निकालते हैं, तो इतने बड़े बड़े बना लेते हैं हाथ से, ऐसे ऐसे गोल करके बहुत बड़ा बड़ा बॉल्स बना लेते हैं, इतना बड़ा बड़ा बॉल्स, इतना बड़ा बड़ा बॉल्स। अब उस बॉल्स को एक प्रोसेस है, जीनिंग है, कि वजह से एक कॉटन फाइबर को कॉटन से सेपरेट करने का प्रोसेस को, सेपरेट करने के, अलग करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? जीनिंग। अलग करने के मतलब सीड्स को क्या कहते हैं? सीड्स को कॉटन से अलग करने के प्रोसेस को हम लोग जीनिंग बोलते हैं। और जीनिंग में क्या करते हैं, उसे हम लोग कभी कभी हाथ से ही उठा उठा के बीज को रख देते हैं, या फिर कहीं फेंक देते हैं, और उसको रुई को लेकर हम लोग रख लेते हैं, उसको हम लोग कॉटन को रुई बोलते हैं ना, रुई।
रुई बोलते हैं कॉटन को। तो अब क्या होता है, रुई को तो रख लेते हैं और उसमें से एक और प्रोसेस है, एक ब्रश लीजिए और उसमें से उसको ऐसे 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 करने लगेंगे, खुद ब खुद उसमें से सीड गिरने लगता है। ठीक है, खुद ब खुद उसमें से सीड गिरने लगता है। हाँ, उसका रुई तो नाम है पर उसका एक और नाम है कपास, उसको हम लोग कपास भी बोलते हैं। तो जीनिंग के प्रोसेस से वो सीड सेपरेट हो जाता है। अब कॉटन यार्न को स्पिन करने को पहले जूट इसके बाद है जूट फाइबर। अब जूट फाइबर क्या होता है, जूट फाइबर प्लांट के किस पार्ट से मिलता है हमें, हमें प्लांट के स्टेम पार्ट से मिलता है जूट फाइबर। जूट फाइबर का भी खेती करना पड़ता है और वो बहुत बड़ा बड़ा प्लांट होता है इसका। जब उसमें से फ्लावर निकलने को होता है तब उसे हम लोग काट लेते हैं और उसके क्या कहते हैं वो स्टेम होता है उसको ले जाकर पानी में डाल देते हैं। जब वो पानी में डाल देते हैं, पर वो एक और बात बता देता हूँ, जो होता है जूट फाइबर वो रेनी सीजन में होता है। ठीक है, रेनी सीजन में, और उसे ले जाकर हम लोग पानी में डाल देते हैं, स्टेम को ले जाकर पानी में डाल देते हैं ताकि क्या हो, उसमें का जो छिलका हो, उसमें का ऊपर का जो हो जितना भी वो सारा निकल जाए। अब ऊपर का जब पानी में वो अलग हो जाता है थोड़ा थोड़ा, तो देखिए उसी का हम लोगों को हाथ से उसे निकालने में आसानी होती है। और जो वो होता है छिलका उसका ऊपर का, उससे हम लोग जूट फाइबर बनाते हैं और स्टेम से भी जूट फाइबर बनाते हैं, दोनों से हम लोग जूट फाइबर बनाते हैं। और अब देखिए स्पिनिंग कॉटन यार्न को, कॉटन यार्न को स्पिन कैसे करते हैं। कॉटन यार्न को स्पिन करने के दो दो तरीके हैं, एक है स्पिनिंग कॉटन यार्न। तो अब देखिए एक बात प्रोसेस बता देता हूँ, ये हो गया जैसे मतलब मान लीजिए कॉटन ही हो गया, कॉटन प्लांट ही बना देता हूँ, ये कॉटन प्लांट हो गया, इसे ग्रो होने के लिए ब्लैक सॉइल चाहिए और वार्म क्लाइमेट चाहिए। तो इसे वार्म क्लाइमेट और ये दोनों मिल गया, फिर इसके ऊपर कॉटन बॉल्स हुए, फिर कॉटन बॉल्स जब फटे तो देखिए इस कॉटन बॉल्स जब फटे तो ऐसे ऐसे ये फाइबर दिखाई देगा। ठीक है, इसे हम लोग फाइबर बोलेंगे, फाइबर फाइबर नहीं, इसे कॉटन प्लांट बोलेंगे, प्लांट कॉटन प्लांट बोलेंगे। और यही जब कॉटन बॉल फट जाता है बहुत सारा इसमें से दिखाई देता है कॉटन फाइबर, इसे फाइबर बोलते हैं। और अब फाइबर निकल गया, अब देखिए अब क्या होता है कि जब फाइबर निकल गया तो इसके बाद हम लोग इसका इस एक प्रोसेस होता है जीनिंग, इसमें से फाइबर को अलग करने का एक प्रोसेस होता है जीनिंग। एक ब्रश लीजिए, उसमें से उसको झाड़ दीजिए, सारा सीड अलग हो जाएगा। अब देखिए वो तो हो गया, अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि जब हो जाता है क्या कहते हैं इसके बाद स्पिनिंग होता है, जीनिंग के बाद स्पिनिंग होता है। तो अब स्पिनिंग कैसे करें, देखिए फाइबर से धागा बनाने के प्रोसेस को हम लोग स्पिनिंग बोलते हैं, फाइबर से धागा बनाने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। ठीक है, एक काम कीजिए, अपना हाथ लीजिए, उसको धागा को लीजिए, उसके बाद धागा को लेकर उसके बाद ऐसे 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 रगड़ते रहिए रगड़ते रहिए रगड़ते रहिए, तो कितना बड़ा सा धागा बन जाता है। वो जो नहीं हम लोग क्या कहते हैं थ्रेड खरीद के लाते हैं दुकान से, वो थ्रेड वही होता है, कॉटन का ही होता है। तो अब वो थ्रेड हुआ घी, देखिए वो हाथ से भी हो सकता है और दो क्या कहते हैं एक प्रोसेस होता है, एक और प्रोसेस होता है, ये एक ऐसा होता है, ऐसा एक डिवाइस होता है, ऐसा एक डिवाइस होता है, इसका नाम क्या है, तकली, इसको तकली बोलते थे पहले। और इस तकली में हम लोग जब रुई को यहाँ पे लपेट देते हैं, फिर इस तकली को हम लोग
नचा लेते हैं ऐसे, तो धीरे 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 एक ही में नचते 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 नचते, ये तो तकली का दो इधर से नीचे से दो पार्ट होता है, और उसी में दबते 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 वो बहुत बड़ा धागा बन जाता है, एक तकली। और एक और उसके अलावा एक और है चरखा, ठीक है। चरखा जिसका यूज गांधी जी ने किया था, चरखा। और ये देखिए, अब चरखा हुआ, अब इसमें से ये इधर से एक धागा है, अब मतलब यहाँ से रुई आपने डाला और जी से स्पिन होते होते ऐसे नचे, ऐसे इसको नचाए। तो देखिए अब इसको काटता है वो एकदम ऐसे 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 ऐसे, उसको रुई को एकदम हम लोग हाथ पे जैसे रगड़ते हैं ना, वो उसको रगड़ डालता है और थ्रेड निकाल देता है, एक यार्न निकाल देता है, दो सेट तीन सेट ऐसे निकालता है वो एक क्या कहते हैं चरखा, ठीक है। तो इस चरखा का यूज किसने किया था, गांधी जी ने किया था, गांधी जी ने किया था, गांधी जी ने, ठीक है, गांधी जी ने चरखा का यूज किया। और वही ये जो चरखा जिसको गांधी जी ने यूज किया था वो अभी हमारे खाली बर्डन में शामिल है, ठीक है। और वो भंडार बंद हो चुका है, और पहले के झंडे पर भी ना, पहले के तिरंगे झंडे पर भी क्या कहते हैं, अभी तो ये चक्र है, अभी तो चक्र है 24 तिल्लियों वाला, पहले चक्र नहीं था, पहले चरखा था, ठीक है, उसके बीच में चरखा था, ठीक है। तो ये चरखा हमारे देश का भी निशानी है। तो अब देखिए चरखा से ये स्पिन करके तो निकाल दिया इसने, अब इसके आगे का प्रोसेस हम लोग इसके आगे का फल पड़ेंगे, क्योंकि अभी बहुत देर हो चुका है, तो मुझे थोड़ा काम है ना, जैसे अभी मैं जाऊंगा तो अभी मेरा एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो वो मैं एग्ज़ाम 30 तारीख से चालू होने वाला है, 13 तारीख से, तो इसीलिए तैयारी करने जाऊँगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, बाय बाय, मिलते हैं।